प्रिय किसान मित्रों नमस्कार, मैं प्रेम किशोर दुबे अपने चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। साथियों, आज का टॉपिक, आपको धान की नर्सरी यदि पीली हो गई है, व्हाइट कलर के उसके पत्ते हो गए हैं और बाढ़वार उसकी रुक गई है, विकास नहीं हो रहा है, तो हम ऐसी परिस्थिति आ गई है, तो अब हम उस नर्सरी में क्या प्रयोग करें, कैसे इस समस्या से निजात पाएं। किसान भाइयों, यदि यह नर्सरी इस रोग से ग्रसित हो गई है तो आप सबसे पहले उसको जाकर देखिए उसमें क्या समस्या है, और यदि ये दोनों प्रकार के रोग उसमें हो गए हों तो उसका एक ही उपाय मैं आपको आज दे दूंगा और उसका आप प्रयोग करिए। मैं गारंटी के साथ आपको बताता हूं कि आपकी नर्सरी बहुत सस्ते में फर्स्ट क्लास की हो जाएगी। किसान भाइयों, यदि आपकी नर्सरी में पीलापन आ गया है और पत्ते उसके वाइट कलर के हो गए हैं और विकास भी उसका नहीं हो रहा है और नर्सरी डाले हुए आपको 10 दिन से 12 दिन हो रहे हैं, तो आप, मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूं एक प्लांटोनिक गोल्ड नाम का एक प्रोडक्ट है। ये प्रोडक्ट माइक्रोन्यूट्रिएंट जिंक है, एक प्रकार से माइक्रोन्यूट्रिएंट इसके साथ है, प्लस जिंक है, आयरन है, कॉपर है, मैग्नीशियम है, बोरान है, तमाम तत्वों का मिश्रण है। आप ये प्रोडक्ट मिल जाए तो ठीक है, नहीं मिलता है तो आप किसी दुकान पर जाएं और वहाँ पर आप अपनी समस्या को बताएं और आप उनसे स्वयं 250 ग्राम माइक्रोन्यूट्रिएंट जिंक उनसे मांग लें और इसमें आप 250 ग्राम से 500 ग्राम तक की यूरिया खाद का मिश्रण बना लें। और एक चीज़, एक प्रोडक्ट है आपका रिवाइव के नाम से आता है, जिसका टेक्निकल मिश्रण है कार्बेंडाजाइम प्लस मैंकोजेब। इसकी 100 ग्राम की पैकेट है, आप 50 ग्राम इसको ले लीजिए और इसी के साथ इसको मिश्रण कर दीजिए और इन तीनों चीज़ों का मिश्रण बना करके आप अपनी नर्सरी में छीट दीजिए। भाइयों, आप जब इस दवा का प्रयोग कर जा रहे हैं तो एक बात का ध्यान रखिएगा, हो सके तो नर्सरी में पानी का भराव ना हो, थोड़ा थोड़ा उसकी 1 सेंटीमीटर का पानी की लेयर उस पर हो। और एक बात का विशेष ध्यान देना है कि नर्सरी के जो धान की नर्सरी है उसके जो पत्ते हैं वो पत्ते ओस से या बारिश से, ये भीगे नहीं होने चाहिए, बिल्कुल साफ होने चाहिए। ये बात आपको 12 बजे दिन में, 1 बजे दिन में, दोपहर के बाद के टाइम पर आपको ऐसा मिलेगा कि धूप खिली होगी तो उनके पत्तों पर पानी ओस की बूंदें नहीं होगी। इन तीनों चीज़ों का आप एक साथ मिश्रण बना लें और मिश्रण बना करके खेतों में आप सीधे छीट दें। यह क्रिया आप 10 से 12 दिन की जब नर्सरी होगी तब आपको करना है। आपकी नर्सरी 100% गारंटी के साथ बता रहा हूँ कि ठीक हो जाएगी। मेरे प्रिय मित्रों, अगर आपकी नर्सरी में ये बीमारी नहीं आई है तब भी आपको यही प्रोडक्ट का, यही सॉल्यूशन यूज़ करना है, इन तीनों चीज़ों का मिश्रण करके और आप अपने खेतों में डाल दें, नर्सरी के पौधे नंबर 1 के निकलेंगे, इनमें किसी प्रकार का आगे चल के भी रोग नहीं लगेगा। और अगर मेरी सलाह के अनुसार, जैसा मैं सलाह दूंगा, करना भी चाहता हूं और किया भी हूं, इसी चीज़ को जब आपकी नर्सरी के पौधे 18 दिन, 17 से 18 दिन की हो जाएंगे तो एक बार और प्रयोग कर दीजिएगा, ताकि आपको 25 दिन पे जब आपको निकालना होगा, पौधे उखाड़ करके रोपाई के लिए तैयारी करनी होगी, तब तक ये चीज़ आप उसमें डाल चुके होंगे तो इसका रिजल्ट उसमें आ चुका होगा। इससे आपके पौधे, धान के पौधे जन्म से ही एकदम स्वस्थ निकलेंगे और फिर जब ये जाके रोपित करिएगा तब इसका रिस्पांस दिखाई देगा। खर्च आपका जो है, ये जिंक, जो मिक्सचर जिंक है,
इस पर खर्चा मुश्किल से ये 60 रुपए किलो के एवरेज में आती है रेट में, और ये दवा जो है ये 80 रुपए की है, और ये एक किलो जो है ये 60 रुपए की है। दोनों आप इसको ले लीजिए, 140 रुपए आपका खर्च हुआ इसी इतनी चीज को। एक बिस्वा से दो बिस्वा तक की भी, डेढ़ बिस्वा तक की भी नर्सरी होगी तो इसी इतनी चीज को दो बार में आपको प्रयोग करना है, टॉप क्लास का रिजल्ट आएगा, ये मेरा वादा है। आप वीडियो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को हमारे मार्केट में लोगों में और शेयर करें। धन्यवाद।